तो आज का हमारा जो सवाल है बहुत ही अलग है और डिफरेंट है। हमारा ये जो भाग जिसमें करना है वो अंक छोटा और जिससे भाग करना है वो अंक बड़ा है, तो हम बहुत ही इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी 2.0 में। जब इस स्थिति में कि हमें जिस अंक में भाग देना है वो अंक अगर छोटा हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जीरो ले लेंगे अपने मन से और एक यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे भाग करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीच का जो अंक है वो बड़ा हो गया और जिससे भाग देनी है वो अंक छोटा है। तो यहाँ पे हम ऐसा कौन सा पार्ट पढ़ेंगे जो 40 से कम हो ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रिक आजमाएंगे। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 46 = 42, 6 बार ले जाएंगे तो 42 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में लेंगे तो 35 40 से कम हो गया। अब यहाँ पे हम इसको घटाएंगे तो 40 में से 35 जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और दशमलव के वजह से जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एक और अगर जीरो लेना है तो यहाँ पे जीरो एक मानना पड़ेगा आपको, जीरो और भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा पड़ा पढ़ना है जो 50 से कम हो लेकिन 50 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे हम ले जाएंगे 7 × 7 = 49। अब यहाँ पे हम 50 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब फिर से हम यहाँ पे एक जीरो दशमलव की वजह से बढ़ा सकते हैं, होगा 10, 7 × 7 = 7, 7 × 14 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 × 7 = 7, बचा कितना, 3। फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और जीरो बढ़ा सकते, 7 × 28, 4 बार में ले जाएंगे, बचा कितना, 30 में से 28 जाएगा 2, फिर जीरो बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे ही क्या होगा, अब ये सवाल ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, हम चाहें तो इसको आगे पढ़ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। चलिए आप लोगों को एक और सवाल बताता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपना दूसरा सवाल यहाँ पे उतार दिया, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ठीक यहाँ पे जीरो में डालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे छोटा अंक है और ये बड़ा अंक है जिसे भाग देना है। यहाँ पे जीरो उतार लेंगे और एक दशमलव मान लेंगे, फिर यहाँ पे आपको जीरो यहाँ पे लगा देना है और जीरो लगाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 30 में भाग करना है। तो क्या होगा, अगर 4 × 8 बार में पढ़ेंगे 32 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो हम 7 बार में पढ़ेंगे तो क्या होगा, 28 हो जाएगा, बचेगा कितना, 30 में से 28 जाएगा 2। अब यहाँ पे एक और दशमलव पहले से जीरो बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ाने के बाद 4 × 5 = 20, या 20 में से 20 जाएगा 0, देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से दशमलव में इसका आंसर निकल गया। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।